स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ना है हमें, तीनों लॉस पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूटन्स के। थोड़ी सी ब्रीफ देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है जो नॉर्मली हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एफ इक्वल टू एम ए, थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन। तो सर इरेक न्यूटन ने जो है एक बुक लिखी थी, मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जिसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटीज, थ्री लॉ ऑफ मोशंस पब्लिश किए थे। और उसके बाद इन लॉज को हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, उन सब पे अप्लीकेबल है डेली लाइफ में। ठीक है, तो जो न्यूटन्स लॉ है बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं। तो जो भी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, जो कि हम नेक्ड आई से मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे अप्लाई कर सकते हैं, वो लॉज है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। या जो ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनके लिए न्यूटन्स लॉ जो है थोड़े फेल हो जाते हैं। फिर वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा वो आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें न्यूटन्स लॉ पढ़ना है। चलिए, तो हर्षित आप बताइए। मैम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट रिमेन्स इन रेस्ट अनलेस और अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, दीपक, सेकंड लॉ कौन सा है न्यूटन्स का? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है। कई बार हम इसको शॉर्ट में एफ इक्वल टू एम ए लिख देते हैं, बट एफ इक्वल टू एम ए जो फॉर्म है इसकी, वो इसकी करेक्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि उस केस में हम वेलोसिटी को वेरिएबल ले रहे हैं, मास को कांस्टेंट ले रहे हैं। बट आगे हम कभी पढ़ेंगे कि मास भी जो है वेरिएबल पैरामीटर है, कांस्टेंट पैरामीटर नहीं है। तो एफ इक्वल टू एम ए सिर्फ जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है हमारी, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो रजत ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था, द रेट चेंज ऑफ अ मोमेंटम। थर्ड बताएंगे देवांश। थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज अपोजिट एंड अपोजिट एंड थर्ड लॉ स्टेट्स बिल्कुल दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज अपोजिट एंड इक्वल एंड इक्वल इक्वल एंड अपोजिट एंड रिएक्शन। हाँ, थैंक इक्वल यू। एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार तीनों लॉज को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इन पे। तो फर्स्ट लॉ है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्ट अपॉन बाय अ अनबैलेंस फोर्स। जब तक इस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तब तक अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यह है उस पे बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। सेकेंड लॉ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू अ फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट। और हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बोल देते हैं फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन एम ए। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए बोल देते हैं, पर ये क्लासिकल मैकेनिक्स में एप्लीकेबल है एफ इक्वल टू एम ए। आगे जब हम हायर वेलोसिटीज की बात करेंगे वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। थर्ड, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं तो उसके अपोज में हमें कोई ना कोई रिएक्शन मिल ही जाएगा, और वो भी इक्वल अमाउंट में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन बैलेंस फोर्स। थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं, तो एग्जाम्पल्स दीजिए इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। खुशी की जगह आ गए हैं सृष्टि। यस मैम, हाँ बताओ, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स दो।
Yes, ma'am. Ma'am, for example, if there's a car that is standing still, as long as, for example, if there is an object that is standing still, as long as there is no external force applied on that particular object, the object will not move from its own place. Like the external force could probably be a push from a person, which will actually make the object move. But apart from that, the object cannot move by itself. And if an object is in motion, for example, a car, like people sitting in a car, even if the car is going on and we apply a brake, we see that we sort of feel a thud, due to which we go in forward direction, which is again because of law of inertia, because our body, which was in motion, would tend to like to be in motion while traveling until an external force is applied to it. बिल्कुल ठीक. होता क्या है कि law of inertia में ये भी होता है कि हम जो चीज वैसे भी ऐसे भी जानते हैं, जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम वही करते रहना चाहते हैं. देखो डेली लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ. आप अगर मोबाइल देख रहे हैं, है ना, और यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट देखने स्टार्ट कर दिया, फेसबुक पे रील देखने स्टार्ट कर दी, तो आपका हाथ ऐसे ही स्क्रॉल करता रहेगा, उसको करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है, करता रहेगा. कोई कब तक करते रहते हो? जब तक कोई ना कोई आसपास कोई बोल ना दे, ना टोकने दे, है ना, तब तक नहीं तो वो करते रहोगे. तो होता क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट को जो वो काम कर रहा है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, वो काम करने में उसे आनंद प्राप्त होता है, ठीक है. तो वो वही काम करते रहना चाहता है जो वो कर रहा है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आए उसको उस चीज को रोकने के लिए. ऐसे ही पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, जब तक इन्फ्लुएंस नहीं आता कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब तक हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते. अब हैंड रेज करने को कहती हूँ, 77 स्टूडेंट्स ज्वाइन करके रखते हैं, सिर्फ 5-10 के हैंड रेज होते हैं, जबकि बिल्कुल बेसिक सा हम ये कह रहे हैं, है ना. तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, कोई वहां देखने वाला नहीं, आसपास कोई है नहीं, तो मीटिंग ज्वाइन कर लिए, अपने बाकी और काम में बिजी हो गए हैं. तो वो वही काम करने में मजा आ रहा है जो हम कर रहे हैं, जब तक मम्मी पीछे से आके देख ना ले कि पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. तो वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा है, जो काम हम कर रहे हैं बस वही करने में अच्छा लग रहा है, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना. ऐसे भी तो बोलते हैं कि बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विल कीप्स डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग अनलेस एक्ट अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स. इफ द ऑब्जेक्ट वाज सिटिंग स्टिल इट विल रिमेन स्टेशनरी. If it was moving at constant velocity, it will keep moving. It takes a force to change the motion of an object. अब वो फोर्स किस फॉर्म में आ रही है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है. जैसे यहाँ पे एक सामने एग्जाम्पल भी है कि एक बुक है रखी हुई है, तो बुक के ऊपर टेबल ऊपर की साइड फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, उसके ऊपर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इसलिए वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, कोई चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि हमने अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया, ऊपर खींच रहे हैं, तो बुक ऊपर की साइड उठना स्टार्ट हो जाएगी. अगर नीचे से खींचना स्टार्ट कर दें, ऊपर वाली फोर्स को कैंसिल कर दें, तो फिर वो नीचे गिर जाएगी. बॉल रखी है तो रखी है ग्राउंड पे, जब तक कि आके आपका पैर उसको नहीं मारेगा वो वहीं पे बैठी रहेगी, कोई नहीं मूव करेगी. उसको किक करना पड़ेगा उसको मोशन देने के लिए. टग एंड वॉर में क्या होता है, दोनों साइड बराबर टीम मेंबर्स होते हैं, सब अपनी अपनी तरफ उसको खींच रहे होते हैं रोप को, और वो बीच में ही रहता है जो उसमें विनिंग टैग लगा होता है, कि अगर इधर मूव हो गया तो इधर वाला जीत जाएगा. इधर जैसे ही कोई सी एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगाई, अनबैलेंस फोर्स लगाई, तो वो टैग उधर मूव करता चला जाएगा और टीम विनर हो जाएगी. तो जिस भी साइड अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो गया उसके अकॉर्डिंग विनर डिसाइड हो जाता है. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया. द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया इट हैज and harder it is changed to its motion. मैं बोल रही हूँ जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा. इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए चलिए हैंड रेज करिए. कौस्तुभ. यस मैम. बताइए इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए.
कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर स्मॉल बॉल देन वी नीड टू पुट अ स्मॉल फोर्स फॉर स्टॉपिंग दैट बॉल एंड व्हेन वी प्ले फुटबॉल then we need to put some more force to stop that ball. हाँ ठीक है, तो हम इसमें ट्रेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, ट्रेन है कि ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की अप्लाई करनी पड़ेगी. इवन वो रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स की अप्लाई करना पड़ेगा. वहीं पे एक फ्लाई है छोटी सी, वो गाड़ी के शीशे से आके टकराती है तो भी हमें पता नहीं लग पाता है क्योंकि वो छोटी सी है, तो का जो फोर्स लग रहा है हमारे ग्लास पे कार के वो उतना ज्यादा नहीं है, पता भी नहीं लगता है. इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, व्हाई डोंट मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग फॉरएवर. हम कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव क्यों नहीं करता रहता है, क्यों रुक जाता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से. अब वो अनबैलेंस फोर्स कौन सी होती है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता है, ग्रेविटी भी हो सकती है, फ्रिक्शंस हो सकते हैं. तो ये जो फ्रिक्शंस हो गए, हाँ फ्रिक्शन फोर्सेस हो गई, ग्रेविटी हो गया, एयर की वजह से हो गया, ये सारी क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है. इसलिए कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट मोशन में मूव नहीं करता रहता, तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई होती रहती है. तो एग्जाम्पल यहाँ पे बुक का दे रखा है कि टेबल पे बुक रखी है और स्लाइड हो रही है वो, और धीरे धीरे क्या होगा, मोशन स्टॉप हो जाएगा, स्लाइड नहीं करेगी. आपके पास बॉल है, आपने मूव किया ग्राउंड पे तो कुछ डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाएगी. तो जो भी फ्रिक्शन फोर्सेस उस पर लग रही है, रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो एक टाइम पे आके मोशन स्टॉप हो जाता है. बट अगर ये सारे फोर्सेस अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहे हैं तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो कांस्टेंट मोशन से मूव करती रहेगी. ऐसे ही रॉकेट जब हम स्पेस में भेजते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है. क्यों मूव करता है? क्योंकि स्पेस में जाके जो ग्रेविटी वाली फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्सेस है, वो सब खत्म हो जाती हैं. इसलिए जब वो मूव करता है, हाँ वो खत्म हो जाती हैं, तो वो मूव कर रहा है तो वो वहां पे मूव करता रहता है. जैसे सैटेलाइट्स भी हो गए. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इम्पोज्ड ऑन इट. अ फोर्स इक्वल टू मास ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो पहले वाले को तो हम ऐसे लिखते हैं F equal to dp over dt, the rate change of momentum. सबको पता ही है P equal to mv होता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तब आता है जब हम सिर्फ v को वेरिएबल लेते हैं और मास को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम कह दें कि v कॉन्स्टेंट है और मास वेरिएबल है तो फिर F इक्वल टू एम ए नहीं होगा. ठीक है, yes, ma'am. क्या कहा मैंने कि P इक्वल टू एम वी होता है और जो F इक्वल टू एम ए आ रहा है वो तब आ रहा है जब हम V को वेरिएबल ले रहे हैं और M को कांस्टेंट ले रहे हैं. तो जब हम P की जगह एम वी रखते हैं तो M को बाहर ले लेते हैं और dv by dt को हम A लिख लेते हैं, एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं. लेकिन अगर हम इसके स्टेटमेंट में ये चेंज कर दें कि V जो है कॉन्स्टेंट है और मास वेरिएबल है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा. तो क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? v into dm upon dt. तो मतलब हमें केस स्टडी करना पड़ेगा कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, कि हम ये कंसीडर करेंगे कि मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल क्वांटिटी भी हो जाते हैं तो फिर चेंज हो जाता है. न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वो F इक्वल टू एम ए नहीं रहता है. तो जो आपको स्टेटमेंट याद रखना है न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए वो F इक्वल टू डी पी ओवर डी टी ही याद रखना है जनरल, फिर वो केस के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो.
फोर्स निकाल सकते हैं. तो मास अगर आपको, अगर हम एफ इक्वल टू एम ए लेके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं फिलहाल मास वेरी, हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं कि मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें मास पता लगेगा वैसे वैसे हम फोर्स निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी पता है तो एफ निकाल सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बॉल है, हमने उसके मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी जो पहले थी सेम वैसी रखी, मास चेंज कर दिया, एक्सीलेशन कांस्टेंट हो गया. तो एफ इक्वल टू एम ए से हमें ये पता लगा कि अगर हम मास को डबल कर दें तो फोर्स पुरानी बॉल जैसे से डबल हो जाएगी. ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी को चेंज कर देंगे, मास को कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को डबल कर देते हैं और मास को कांस्टेंट रखते हैं, तो उस केस में भी फोर्स ट्वाइस हो जाएगी. इफ यू डबल द मास यू डबल द फोर्स, इफ यू डबल द एक्सेलरेशन यू डबल द फोर्स. तो दोनों केस में आपको क्या मिल रहा है, ट्वाइस होके मिल रहा है. और अगर हमने दोनों को ही डबल कर दिया तो जो फोर्स है वो फोर टाइम्स हो गई. यस मैम. ठीक है, तो मास चेंज करो चाहे वेलोसिटी चेंज करो या एक्सेलरेशन चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है फोर्स चेंज हो जाती है. अब यहाँ पे जो है एक ग्लेशियर का एग्जांपल दे रखा है कि बहुत मैसिव मास है ग्लेशियर में, क्या होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो वो धीरे धीरे करके आता है, लेकिन उसके बाद भी उसके थ्रू जो फोर्स मिलती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, उसके सामने जो भी आता है वो सब बह जाता है उसके साथ साथ, जब ग्लेशियर्स टूटते हैं माउंटेन्स पे. ऐसी छोटी सी बुलेट, मास बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, बहुत हार्म करती है जिस भी जगह हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसकी भी बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स होती है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कोई इसका एग्जांपल बताएगा मैम? स्विम करना, स्विम करना, मैम व्हेन वी फायर अ गन, वॉल व्हेन वी फायर ए गन हाँ, जब हम चलाते हैं तो पीछे की साइड झटका लगता है. और अरे हैंड रेस करिए फिर, ऐसे तो बहुत, तीन चार एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ खुशी बताओ. मैम वॉकिंग एंड राइटिंग जब हमने बॉल को दीवार पे थ्रो किया तो वापस बॉल उसी फोर्स से वापस आ गई, या हमने खुद ही दीवार पे अपना सर मार दिया तो भी ऐसी होगा. बुक लाइंग ऑन टेबल हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो ग्रेविटी हमें नीचे की साइड खींच रही है, लेकिन हो क्या रहा है, स्टूल हमें ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा है, तो हम टेबल बैठे हुए हैं. बट न्यूटन थर्ड लॉ सेज योर seat is pushing up against you with equal forces. This is why you are not moving. There is balance force acting on you, gravity pulling down your seat, pushing up. What happens if you are standing on a skateboard or a slippery floor and push against a wall? You slide in opposite direction away from a wall because you pushed on the wall, but the wall pushed back. You with equal and opposite force. अभी हम बॉल की बात कर रहे थे कि बॉल को हमने थ्रो किया वॉल के ऊपर,
तो बॉल हो गए या हम हो गए या स्केट बोर्ड हो गया, जब उससे जाके टकराएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में अपोजिट मिल जाएगा हमें. हमारा पैर जब किसी रॉक पे आपने लेग को मारा तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रॉक ने हमारे टो को हर्ट किया, तो हमें फिर वो पेन बाद में फील भी होता है कि हर्ट हो गया है. तो क्या हो रहा है, रॉक भी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे टो को फोर्स दे रही है, जिसकी वजह से टो हर्ट हो जा रहा है.